न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रचार रॅली दरम्यान एका इसमाने थप्पड लगावलाय। त्यानंतर आम आदमी पक्षाचे नेत्यांनी तो इसम भाजपाचा असल्याचा आरोप केलाय। पंतप्रधान मोदी हुकुमशाही प्रमाणे वागतायत, त्यांच्या विरुद्ध कोणी आवाज उठवला तर ते अशा प्रकारे दडपशाही करत उत्तर देतायत, असा गंभीर आरोप करत केजरीवाल यांनी मोदींवर निशाणा साधलाय। ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये हमें इस रास्ते से साफ करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से इनको फिजिकली हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। आज ये हमला मुझ पे नहीं हुआ, ये 9 हमले मुझ पे नहीं हुए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री पे हमला किया है। आज अगर मैं एक आम जिंदगी जी रहा होता तो मेरे पे हमला नहीं कराते ये लोग। इन्होंने दिल्ली की जनता का अपमान किया है, दिल्ली की जनता के ऊपर हमला किया है, और दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इसका बदला इनको जरूर देगी, दिल्ली की जनता देख रही है। जितने मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए उनमें भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उन शख्सों ने मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत की थी। आज इस देश के अंदर फेसबुक पे अगर कोई लिख देता है मोदी जी के खिलाफ, उसके खिलाफ फर्जी केस कर दिए जाते हैं। और आज एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो देश के खिलाफ जो भी नीतियां होती हैं, देश के खिलाफ जो भी चीजें की जाती हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे, और यही एक तानाशाह का निशान है, यही एक तानाशाह का कैरेक्टर है, एक डिक्टेटर का कैरेक्टर है। एक डिक्टेटर कौन होता है जो अपने खिलाफ किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता? ये तानाशाही की निशानी है कि अपने खिलाफ हर आवाज को बंद कर दिया जाए, चुप करा दिया जाए, मरवा दिया जाए, उसके ऊपर अटैक करवाए जाए। एएम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्र से।